तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्मार्टफोन के ट्रिक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आने वाले हैं, और इनमें से कुछ ट्रिक्स एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स दोनों के लिए काम आने वाले हैं, और कुछ ट्रिक्स ऐसे भी हैं जिससे आप दोस्तों के साथ पंगे भी ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला ट्रिक स्टार्ट होता है इससे। ये एक इरेजर है जो आपने छोटे होते काफी इस्तेमाल की है, मैंने भी इस्तेमाल की है, लेकिन आज भी ये काफी काम आने वाली चीज है, क्योंकि इसे हम साफ करेंगे अपने स्मार्टफोन के ऊपर। जैसे कि आपने देखा कि स्मार्टफोन के ऊपर काफी मार्क्स लग जाते हैं फिंगर्स के, तो वो साफ नहीं होते। तो उसको साफ करने के लिए अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, आप एक बार इसे जरूर साफ करके देखना। आपको इसे इस तरह से ऐसे वाइप करना है और पूरी स्क्रीन को वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद आपको एक क्लोथ के साथ उसको वाइप कर लेना, वो ऐसे वाइप हो जाएगी आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा लगा कि एकदम से नई स्क्रीन आपने डलवाई है। तो आप भी इस ट्रिक को यूज करें। तो अगला ट्रिक है बैटरी बैकअप के रिगार्डिंग। अगर आप अपनी बैटरी बैकअप को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा कि अक्सर हम अपने ऑटो ब्राइटनेस को ऑन रखते हैं, तो आपको इसे ऑफ रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फालतू की बैटरी कंज्यूम करता है और ये बैकग्राउंड में चलता रहता है। जब भी लाइट कम ज़्यादा होती है तो सेंसर हमेशा काम में रहता है, और वो सेंसर काफ़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो आपको एश्योर करना है कि अगर आप अपनी बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ऑफ करके रखें। तो तीसरे ट्रिक के अंदर दोस्तों, आपको पता ही ठंड बहुत ज़्यादा है और आपको टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप जब भी इस तरह से कीबोर्ड को ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च में लॉन्ग प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको इस थर्ड ऑप्शन को क्लिक कर देना, और इस तरह से आप अपने कीबोर्ड को रिसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखती है, इसको आपको करना है क्लिक, और उसके बाद अपनी कीबोर्ड की पोजीशनिंग को सेट कर सकते हैं जहाँ पे मर्जी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप इजीली टाइप कर सकते हैं वहाँ पे इसको सेट कर लें, और उसके बाद आप इसे टाइप करें, आपको टाइप करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगला ट्रिक है चालाकी और पंगे वाला। अगर आप अपने दोस्तों की निगरानी करना चाहते हैं उसके फ़ोन के अंदर, हमारे दोस्त अपने फ़ोन का पासवर्ड तो हमें बता देते हैं लेकिन गैलरी का पासवर्ड हमें कभी नहीं बताते, तो अगर आप उसको भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाना है। आप यहाँ पर टाइप करेंगे फाइल, उसके बाद कॉलन और फॉरवर्ड स्लैश 3 बार, और यहाँ पर आपको लिखना है SD कार्ड, एंटर करेंगे, और इस तरह से आप उसकी पूरी गैलरी, उसका पूरा फाइल मैनेजर आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं मांगेगा, आप यहाँ से उसकी कोई भी फोटोज़ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली वही ट्रिक आता है जिससे आप किसी के साथ ज़्यादा पंगे ले सकते हैं। ज़्यादा भी मत लेना, नाराज़ हो जाएगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर आपको अपनी डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाना है, वो आपके फ़ोन के हिसाब से कहीं भी हो सकती हैं, तो आपको उसको फाइंड करना है। मेरे केस में एडिशनल सेटिंग्स में मुझे मिल गई हैं। डेवलपर ऑप्शंस में जाएंगे के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है विंडो एनिमेशन, स्केल, ट्रांजिशन, एनिमेटर। आपको इन तीनों चीज़ों को आपको आपका ये 1x, अगर आप इसे 10x कर देंगे तो आपका फ़ोन ज़रूरत से ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और जिससे भी आप कोई भी चीज़ ओपन करेंगे वो काफ़ी टाइम लेने के बाद ओपन हुआ करेगी, और बंद होने में काफ़ी टाइम लेगी, और जिससे आपका दोस्त पूरा परेशान हो जाएगा और सोचेगा कि उसका फ़ोन ख़राब हो गया है या फिर उसकी रैम बिल्कुल भर चुकी है। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर पंगे से हट के बात करें, अगर आप इस ट्रिक के अंदर अपने फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके फ़ोन के अंदर रैम भी ज़्यादा कम है, 4GB से कम रैम है, उसकी पुराना फ़ोन है, तो आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी सेटिंग होगी वो 1x हो रखी होगी, चेंज करके आपको उसको 0.5 कर देना है, या फिर आप इसे ऑफ़ भी कर सकते हैं जिससे आपका फ़ोन एकदम फास्ट हो जाएगा।